गाइस आप लोग को नेक्स्ट टॉप अप 100% बोनस टॉप अप देखने को मिल जाएगा बीडी सरर पे, ये तो आप लोग को पता था। लेकिन इंडिया पे क्या टॉप अप देखने को मिल जाएगा, बहुत लोगों का कहना है, मतलब ऑलमोस्ट सबका कहना था शायद लेसिस मोड टॉप अप में देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं, इंडिया सरर पे कुछ अलग टॉप अप इवेंट आने वाला है। तो कौन सा टॉप अप इवेंट आने वाला है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आप लोग जैसे देख सकते हो लॉग इन रिवॉर्ड पे आप लोग को बंडल से लेके कितने सारे रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप लोग को लेना है तो बस आप लोग को इंडोनेशिया सर्वर लॉग इन करना है और जितने सारे रिवॉर्ड आप लोग देख पा रहे हो सारा कुछ आप लोग ले सकते हो। तो सब लोग ले रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोग को बता दिया, आप लोग को अगर सही लगे तो आराम से ले लेना। उसके बाद चलो मैं आप लोग को और क्या क्या इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं सारा कुछ बता देता हूं। आप लोग को नेक्स्ट इबो गन मतलब इबो M10 आप लोग को कब देखने को मिल जाएगा, आप लोग इबो बंडल कब आने वाला है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज रहेगा। मतलब समझ पा रहा आज के वीडियो कितना इंपॉर्टेंट कितना ओपी होने वाला, बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा वो तो आप लोग को पता है। जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे जो जो नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टॉप अप इवेंट के बारे में बता देता हूं। अभी जैसे देख सकते हो आप लोग को बोनस इवेंट टॉप अप देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट टॉप अप 19 अप्रैल को बीडी सरर पे, और इंडिया पे आप लोग को कौन सा टॉप अप देखने को मिल जाएगा चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूं। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो आप लोग एक सिकल का मतलब स्केट का आप लोग एक मिली हुई पेन देखने को मिल जाएगा 100 डायमंड टॉप अप पे, और उसके साथ साथ आप लोग को 300 डायमंड टॉप अप पे एक ग्लोबल का स्किन देखने को मिल जाएगा। चलो सबसे पहले मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉप अप इवेंट अच्छे से रिव्यू करा देता हूं, उसके बाद में आप लोग को व्हाइट 444 नया जो बनी बंडल है वो आप लोग को कब देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग को ओल्ड M10 जिसके ऊपर आप लोग को बहुत का सवाल है कब देखने को मिल जाएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आप लोग को न्यू ईवो M10 कब देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे और भी बहुत सारे चीज रहेगा जैसे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, बस आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो अभी चलो आप लोग को बनी बंडल के बारे में बता देता हूं, बहुत लोगों का सवाल है बनी बंडल कब देखने को मिल जाएगा, नया वाला बनी बंडल कब देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को ओल्ड वाला बनी बंडल तो आ चुका है, अब बस आप लोग को न्यू बंडल ही बचा है। लेकिन अभी आप लोग को अगर आना हो तो आप लोग को टोकन व्हील के अंदर आएगा, और टोकन व्हील के अंदर तो अभी आप लोग के M887 का स्किन चल रहा है। उसके बाद आप लोग को 21 अप्रैल को आप लोग के जो टोकन व्हील आप लोग देख पा रहे बंडल के साथ, तो ये लेजेंडरी बंडल के साथ आप लोग को टोकन व्हील के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एक मंथ के अंदर आप लोग को दो टोकन व्हील, तो फिर उसके बाद आप लोग को 2-3 दिन बाद फिर से आप लोग को टोकन व्हील दे देगा ऐसा आप लोग को लगता है। तो आप लोग इस मंथ तो भूल ही जाओ, आप लोग को शायद इस मंथ कोई टोकन व्हील देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आप लोग को न्यू बनी बंडल देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग को मैं बोलूंगा कि मई मंथ तक आप लोग वेट कर जाओ, क्या पता आप लोग को मई मंथ के अंदर देखने को मिल जाए। तो जब मई मंथ के बात कर ही रहे तो मैं आप लोग को मई मंथ का सबसे बड़ा मेगा इवेंट के बारे में बता देता हूं। तो जैसे ही आप लोग को रमादान इवेंट खत्म होता है उसके बाद आप लोग को स्कॉर्पियो थीम के ऊपर जितने सारे चीज है जैसे आप लोग इबो बंडल, फिर आप लोग को फिस्ट का स्किन, फिर आप लोग को इबो M10 सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को ओल्ड M10 देखने को मिलेगा कि नहीं वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इबो बंडल के बारे में बता देता हूं। तो आप लोग को ये जो मेगा इवेंट है 6 मई के बाद से आप लोग को देखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को फ्री रिवॉर्ड से लेके आप लोग को पेड इवेंट तो देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ आप लोग को एक फेडरल भी देखने को मिल जाएगा जहां पर आप लोग को बेसिक बंडल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को पहले बेसिक बंडल लेना है, उसके बाद तो आप लोग को पता है कि आप लोग टोकन से अपग्रेड करके जितने सारे लेजेंडरी बंडल है आप लोग को 3-4 कलर का बंडल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मेन रिवॉर्ड तो आप लोग को ये वाला रेड कलर का जो देख पा रहे हो ये वाला आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग को ब्लू कलर का आप लोग को देखने को मिल जाएगा, येलो कलर का आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फिर पर्पल कलर का देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लोग टोकन से अपग्रेड करके ये सब बंडल ले रहे होंगे तब आप लोग इमोट देखने को मिल जाएगा, मतलब फ्री आप लोग को मिल जाएगा, फिर आप लोग को एनिमेशन फ्री देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग को लॉबी डांस मतलब जो आप लोग एक बंदा इमोट दिखाता है सारा बंदा अपने आप इमोट दिखाना स्टार्ट कर देता है वैसे एक इमोट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चीज देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को जब ये फेडरल आने वाला होगा तब आप लोग को ये सारे चीज तो फ्री मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोग को एक लुक चेंजर भी देखने को मिल जाएगा जो मैं आप लोग को रिव्यू कर दूंगा। उसके बाद में आप लोग को बात करूंगा ओल्ड M10 के बारे में, आप लोग को कब देखने को मिल जाएगा, देखने को मिलेगा कि नहीं। उसके साथ साथ आप लोग को न्यू M10 आप लोग को कब देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जल्दी बता देना, और वीडियो पूरा इन तक देखना, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कर देना। तो न्यू इवो M10 के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को ओल्ड वाला इवो M10 के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग को ओल्ड वाला इवो M10 देखने को मिलेगा कि नहीं। तो अभी देखो आप लोग को 4-4 इवो गन आप लोग को गेम के अंदर चल रहा है, तो वो भी आप लोग एक वेब इवेंट के अंदर, मतलब समझ पा रहे हो। तो न्यू वेब इवेंट आने से पहले गरीना अगर चाहता कि ओल्ड वाला देना है तो आप लोग इसी वेब इवेंट के अंदर दे देता, लेकिन गरीना ऐसा नहीं किया, और आप लोग को मे मंथ आने में वैसे आप लोग को और 10 दिन भी नहीं बचा, तो समझ पा रहे हो आप लोग को 10-12 दिन ही बचा है। उसके बाद से आप लोग को क्रिम्सन इवो मतलब जितने सारे आइटम देख पा रहे हो इवो थीम के ऊपर सारा कुछ आप लोग को देना स्टार्ट कर देगा, और उसके साथ साथ आप लोग को फेडरल भी आ जाएगा। और न्यू वाला M10 एक बार फेडरल के अंदर आ गया तो अब आप लोग समझ जाना कि ओल्ड वाला देने का चांस तो आप लोग को 0% हो गया, क्योंकि आप लोग की रहेगा एक मंथ तक।
तो उससे पहले आप लोग को ओल्ड वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ओल्ड वाला देखने को मिले या ना मिले, आप लोग के न्यू वाला कब देखने को मिल जाएगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मैं आप लोग को बताया 6 मई के बाद से आप लोग को जितने सारे मैं आइटम दिखा है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग के फेडरल 17-18 तारीख से नहीं तो उससे पहले आप लोग को देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर, और आप लोग के एक मंथ तक रहेगा जो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया। तो आप लोग के फेडरल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और अभी आप लोग की इवेंट आने में 10-12 दिन से ज्यादा बचा है, तो इस वजह से मैं आप लोग को बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। जैसे इवेंट आता है मैं आप लोग को रमजान का जैसी इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोग को कब कौन सा इवेंट देखने को मिल जाएगा, वैसे मैं आप लोग इस इवेंट के रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, कमेंट तो कर ही देना और लाइक तो कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।